हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एपिलेप्सी, पीसीओडी, डाइस्लिपिडेमिया आदि ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा लाइलाज बताते हुए जिंदगी भर दवाइयां लेने की मजबूरी बताई जाती है। मगर इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर असाध्य जटिल एवं शल्य रोग होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 सालों की रिसर्च एवं चिकित्सकीय अनुभव से तैयार की गई सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ऐसे कई लाइलाज गंभीर हताश एवं निराश रोगियों को पूरी तरह ठीक कर बिना किन्हीं दवाइयों के सहारे जीवन की नई राह दिखाई है। क्यों और कैसे हो जाती है हमें ऐसी जिंदगी भर दवा के साथ चलने वाली बीमारियां? कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं और कैसे इन बीमारियों और दवाइयों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मनुष्य में होने वाले रोगों की वह अवस्था है जो थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है। यह आयोडीन की कमी से या प्रसव के पश्चात थायराइडिज्म के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। यह ऐसी स्थिति है जो अधिकांश महिलाओं को शिशु को जन्म देने के बाद एक वर्ष के अंदर प्रभावित करती है। मेरा नाम घनश्याम सोलंकी है। डॉक्टर चोपड़ा साहब के बारे में सुना मैंने कि थायराइड का इलाज करते हैं। मेरे को थायराइड 56-57 के लगभग था, तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब से जांच करवाई मैंने, तो पता चला कि थायराइड, तो दिए गए पते पर मैं पहुंचा, डॉक्टर चोपड़ा साहब से मिला, मेरा इलाज किया उनने और आज मेरा थायराइड 4.5-4 के लगभग, मैं अब स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा लेवे, जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के फायदे से आज हमसे रिकवर होकर जिस तरीके से स्वस्थ मुस्कान लेकर आज समाज में जी पा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की स्वस्थता की मिसाल हम आपके लिए भी साबित कर सकें और कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि सभी 3000 पेशेंट के किसी भी एक पेशेंट के डेटा से, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट हो, चाहे वो किसी सर्जिकल बीमारी से ग्रसित ऐसी बीमारी जिसमें कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है, या फिर सर्जरी होने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये वापस नहीं हो सकता, ऐसी बीमारियों से ग्रसित पेशेंट, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, या फिर एक तरीके से एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपेनिया, आईटीपी जैसी हिमेटोलॉजिकल बीमारियां, या फिर हो सकता है कि अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा तक की स्थिति में जो पहुंच चुके हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि दूसरा जीवन मिलना लगभग असंभव माना जाता है, ऐसे कई सारे पेशेंट्स को मॉडर्न ट्रीटमेंट का फायदा देकर उन्हें रिकवर किया गया है। निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि हमारे YouTube के चैनल पर जाकर उन सभी पेशेंट्स के आप नाम और नंबर के साथ, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके द्वारा बनाए गए जो डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर आप उन सभी पेशेंट के बारे में व्याख्या ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।